झंडा जो फहराया जा रहा है, मालिक ने कहा है कि झंडे के नीचे पूरे विश्व को एक दिन आना पड़ेगा। भाग से झंडे के नीचे और आज 15 अगस्त, आज 57 वर्ष हो गए मेरे इस देश को आजाद हुए, लेकिन आजादी में जो बर्बादी हो रही है उसको हमारे गुरु महाराज आज अपने दिन सत्संग में लगभग सब कुछ बता चुके हैं। और हम चाहते हैं कि सत्संग को जो हमारे बड़े यहाँ के अबकारी लोग हैं, हमारे बहुत बड़े नेता लोग हैं, उन तक सत्संग को पहुंचाने की कृपा करें ताकि उसमें अगर सुधार हो जाए। माली ने कहा जो राजा है आगे अगर हमारी प्रजा दुखी रही तो आगे चल करके जय मंच पर विराजमान परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज और इस दरगाह में पढ़ाए हुए रामसभा के हमारे प्रधान जी और हमारे दूर दराज से आए हुए सत्संग और हमारे दूर दराज से आए हुए सत्संग समस्त सत्संग भाई बहनों और जहां तक हमारे यूट्यूब माध्यम से ये देश का चित्र जा रहा है, वहां जो लोग देख रहे हैं उन सबका और जितने हमारे इस अधिकारी नेतागण हमारे इस विश्व में और हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं और ये आवाज जो सुन रहे हैं सबको जय गुरुदेव और धार्मिक व्यवसायिक प्रचार समिति की तरफ से, वहां के समस्त पदाधिकारी और सदस्यों की तरफ से सबका हार्दिक बंदन अभिनंदन। जय गुरुदेव। आज हम लोग ये झंडा मालिक के समक्ष फहराया जा रहा है और मालिक ने कहा था झंडे के नीचे पूरे विश्व को एक दिन आना पड़ेगा। कोई समय मेरे प्यारे बहन बहनों भाइयों दो नहीं है और आगे दिन से आपको सब दिखाई दे रहा है। मालिक ने कहा था कि ये सड़कें बंद हो जाएंगी, रेलवे बंद हो जाएंगी, हवाई जहाज बंद हो जाएंगी। क्या कोई विश्वास कर रहा था नहीं। कि इस पृथ्वी पर ऐसा भी दिन कभी आ सकता है ट्रेनें बंद कर दी जाए, स्वस्थ हवाई जहाज बंद कर दी जाए। लेकिन मालिक की कुर्बानी अभी आपके सामने अंतम प्रस्तुत हुई, आप लोगों ने देखा और मालिक ने सबसे महान मालिक का सबसे बड़ा चमत्कार मैंने देखा है, आप लोग भी देखे हैं। इस पूरे विश्व में सारे लोग आ रहा लेकिन हमारे महापुरुष ने कौन सी आवाज लगाई कि ये महामारी कुछ नहीं है और जिनको महामारी से बचना हो बाबा की शरण संगुरधाम जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम रवि साहब में आ जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसकी बीमारी नहीं ठीक हो जाएगी। बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और बाबा जी ने एक संदेश और दिया कि जितने हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और हमारे जितने प्रदेश हैं सब मुख्यमंत्री को चाहिए जितने हमारे विश्व में बाबा लोग हैं सबकी एक मीटिंग बुला ली जाए। बाबा जी के महाराजों से आह्वान किया गया, पता नहीं लोग सुन पाए नहीं सुन पाए या सुन पाए तो उन्होंने अनदेखी किया। अनदेखी किए है उसका उनको कामयाब बताना पड़ेगा। जैसा गुरु महाराज ने भी सत्संग में कहा कि जिस राजा के समय में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक में जाना पड़ता है, तो वो लोग सोच ले अभी उनके सामने समय है, मालिक अवसर दे रहे हैं और अपना जुगाड़ कर ले और प्रजा को स्वर्ग बढ़िया राज देने के लिए बड़े भाग से राजा बने हुए हैं और अच्छा काम करे जिससे हमारी प्रजा सुखा नहीं मिल जाए। और अभी और मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं जहाँ भी आवाज जा रही है उन लोगों तक आज का सत्संग मालिक का जो दिन सत्संग लगभग हो चुका है ये सत्तर पहुंचाने की बात है ताकि वो लोग नक्स आने से बच जाए। ये भी एक बड़ी भारी कृपा आप लोग करेंगे जो हमारे शीर्ष नेता लोग हैं वो नक में जाने से बच जाए, ये बड़ी भारी मालिक की कृपा होगी। आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा वैसे समय ज्यादा हो गया है, मालिक देव सत्संग कर दिए हैं वैसे फिर आज मालिक कृपा करके 10 मिनट का समय मालिक लेंगे।
अगर आपने मालिक ने सुनाया कि मालिक का जबरदस्ती मालिक का पुतले का कार्यक्रम किया गया, उस दिन मुझको लगभग 10 बजे सूचना मिली मालिक का एक कार्यक्रम मथुरा में हो गया। मैंने मथुरा में उसमें सुल्तानपुर में सदस्य होगा, मैं वहां जाने के लिए प्रयास किया। मैंने सोचा रात का समय है, कोई साधन नहीं मिलेगा, सुबह चलूंगा। मैं चारपाई पर लेटा लेकिन नींद कहाँ आई। मैंने कहा नींद तो आएगी नहीं, चले निकलते हैं, मालिक कृपा से पहुंच जाएंगे। मैं किसी तरह से मालिक कृपा हुई, मैं 10 बजे मथुरा आश्रम पहुंच गया। और मथुरा आश्रम पर पहुंचने पर मैंने देखा वहां पर मथुरा में गुरु महाराज जी की छत्र छाया में मुझको वहां जितने आश्रम वासी थे सभी लोग मुझको जानते पहचानते थे। मैं वहां पर मालिक का जहां 500 रुपए में दर्शन होता था उस कमरे के पास पहुंचा। वहां देखा ताला लगा हुआ था, कुछ प्रेमी गेट पर बैठे हुए हैं। मैंने चाहा मालिक का उस समय कहां पर रखा हुआ है, लोगों ने कहा देखोगे। मैंने कहा जरूर, अगर दिखा दो बड़ी कृपा हो जाएगी। मैं उस स्थान पर वहां पर मालिक के कमरे में गया और देखा शरीर दिखाई नहीं दे रहे थे दोस्तों, और उस कमरे में ताला लगाया गया था। ये बताइए, जो मुर्दा कहीं खत्म होता है उसमें मकान में ताला लगाया जाता है? नहीं, ताला नहीं लगाया। मैंने अपनी आंखों से देखा मकान उस कमरे के अंदर में ताला लगा हुआ था। बहरहाल लोग मेरी जान पहचान में थे, ताला खोला गया और मैं मालिक का दर्शन किया। और दर्शन के बाद मैंने देखा जमीन मालिक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो पेट न पैर वही सर जो है थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा, सारे पर इतना कपड़ा भेजा हुआ था जो कि देखा नहीं जा सकता कितना कपड़ा भेजा था। बहरहाल मैं देखा, इसके बाद समय देता गया, हमारे दो भाई बहनों का सहयोग वहां पर जबरदस्त लिखा गया। उसके बाद बड़ा गेट जो बाहर टीम लगाया हुआ था वहां पर लोगों ने देखा कि गेट तोड़ देंगे, हमारे पर भाई लोग खोलिए गेट को, खोलिए गेट को, धक्का देना शुरू किया। ऐसी इसकी तजा हुई कि गेट टूट जाएगा। फिर लोगों को गेट खोला गया, कुछ देर वहां पर लोगों को दर्शन जैसे झांकी से करवाया गया जिस खिड़की बनी रही थी। उसके बाद मान्य कहा पुतले को ले जाकर के अमंता सिंह किया गया। अमंता सिंह पर करने के बाद हमारे दो भाई बहनों ने सड़क पर जाम कर दिया। वो जो दिल्ली से आगरा हाईवे जाता है वो सड़क पर जाम करके केवल 2 मांग थी हमारे दो भाई बहनों की। प्रथम मांग थी गुरु महाराज जी का शरीर सबको दिखा दिया जाए, अगर सबको संभव नहीं है तो जिले के जो संचालक लोग हैं उनको शरीर दिखा दिया जाए, लेकिन संभव नहीं हो सका। उसके बाद दूसरी मांग क्या थी, मालिक को शरीर को जलाया न जाए, उस शरीर को मालिक को शरीर को समाधि दी जाए, मूलों मंत्र बनवाएंगे। मैं राजे दोनों दिन नहीं मांगे। इसके बाद वहां पर मालिक के पुतले को नहलाया गया। अगर नहलाने के बाद मालिक के पुतले को अपना अच्छी पहले पहना करके चित्रकारों के जो उनके लड़के थे और खड़ा करके दिखा देते तो आप लोगों को भ्रम दूर हो जाता था, लेकिन वो मालिक के शरीर को कितने दिखा दे, कितना दिखा दे आप लोगों को। इसलिए हमारे समझ में भाई बहन ये समझ लें, मालिक का पुतला था और बड़े सौभाग्य आज हम लोगों का विजय है, वो पुतला हम लोग नहीं जला पाए। मालिक का है पुतला, मालिक रखा हुए रखे हुए हैं, पुतला रखा हुआ है, आगे जब समय आएगा मालिक पुतले को भी आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तो हम समझ में भाई बहनों से ये कहना चाहेंगे कि वो पुतला रखा हुआ है, इसमें पूरा कोई पुतला जला देंगे, मालिक का अपना आपको बड़ा अपमान होता जिसका की कोई भी गणना नहीं की जाती है, इतिहास में शर्मा जाता लिखने में। इसलिए मालिक ने पुतले को बचाया और पुतले बचाने के लिए उस समय कितना तेज आदमी तूफान आया, जो लोग वहां रहे होंगे वो आंखों से देखे होंगे, हाँ पूरा काला हो गया, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा, इतना तेज करंट उतरा कि जमीनों में करंट आ गया। लोग भागने लोग नंगे पैर आगे चले रहे थे, लोग भागना शुरू किए, हमने कहा जय गुरुदेव बोलिए, लोगों ने जय गुरुदेव बोला और सबकी जान बची। इसके बाद थोड़ा सा घटना और बताना चाहते हैं, जब मालिक का शरीर पुतला वहां मंच से हटा लिया गया उसके बाद मैंने पुतले को जो उसमें ताबूत था उसको मैंने नापा अपने बच्चे से, वहां पिता तो था नहीं मेरे पास, मैंने पिता से नापा, मेरा बच्चा 9 इंच का है और 9 बिता जो 6 इंच का 6 बिता था वो तो 9 इंची हो गया, 9×54 हो गया ताबूत जिसमें मालिक का पुतला रखा हुआ था। 54 मतलब कई फीट हो गया, 4.5 फीट। चलिए 4.5 मालिक का 4.5 फीट, क्या 4.5 फीट में 5'6" का मालिक 6.5 इंच का शरीर रखा जा सकता है? नहीं, तो सीधे साबुत हो गया मालिक का पुतला था। इसके बाद
और क्या ताबूत में पूरा सटा के रखा गया, कुछ जगह उसमें छोड़ी गई, आधे आधा का चर्चा की दौर पर छोड़े होंगे रखने पर, तो इसलिए मालिक का 3.5 फुट का वो पुतला था बराए में। वो है कि जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा है कि खुशबू आ नहीं सकती कहीं कागज के फूलों में, तो वो खुशबू नहीं आती है और छूट जाता है कहीं ना कहीं। अरे पुतला बनाए गए थे 6.5 फुट का बना देते आप, लेकिन जहां सच्चाई छूटना होता है वहां पर जो कुछ गड़बड़ी छूटी जाती है। 3.5 फुट पुतला बना मैंने जाता अपने हाथों से, मेरे भाई को भाई बहनों इसमें किसी पूछने के लोग नहीं है। जब पुतला वहां चला गया तो मैं मंच पर चढ़ा और मैंने नापा देखा है पुतला बहुत छोटा है, पुतला नहीं देखा छोटा है, लेकिन ताबूत देखा। और मैंने मेरे पास वो नहीं था, मैं जानता था मेरे छोटे जिले में मेरे था, मैं अपने पेटे को नापा था, मेरा जितना मैं उसका था, तो उसको नापा तो 4.5 फीट का निकला। तो ये दृश्य है, आप लोग कहीं शंका न करें, मालिक का पुतला था, पूरा पुतला रखा हुआ है, मालिक समय के इंतजार में है और समय आते ही वो सारा काम कम हो जाएगा। और ये कार्यक्रम ऐसे नहीं हो रहा है, रामचंद्र जी को सब पता था कि 200 का संघार करने में सीता का हरण होगा और वहां पर सारा कार्यक्रम होगा, सीता जी का हरण होगा। और इसी तरह से मालिक ने साथ कार्यक्रम कर मालिकों को, मालिक ने कहा था हम महात्मा गांधी नहीं है जो कि हमको कोई कुछ कर सकता है, गोली मार सकता है या हमको कुछ कर सकता है, जो कुछ हुआ मालिक के मौत से, क्योंकि मालिक पहले कह चुके थे मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जो हमें कोई खोज कर नहीं पाएगा, मेरे ससुर को नहीं पाएगा और मेरे नामदार को नहीं सुन पाएगा। ये मालिक पहले बताए हुए थे मेरे गांव पार्टी जाना है। और मालिक को कोई हिम्मत है किसको मालिक को गांव दान दे सकता है या मालिक के साथ कोई काम कर सकता है। मालिक हमारे बहुत अपान प्रयान है साहब, इस धरती पर जीव का कल्याण करने के लिए आए हैं। अब आप लोग काफी देर से मालिक का सत्संग सुनते रहे, बातें तो अभी बहुत सारी बताने के लिए हम लोग मालिक सत्संग में लगभग बता चुके हैं। बस एक कृपा यही है कि हमारे जो महान भाव है जिनकी बहुत बड़े बड़े अधिकारियों तक, राष्ट्रपति भवन तक, एमएलए विधायक तक है, वो जा करके वहां का सूचना आज का मालिक का दिव्य सत्संग वहां तक पहुंचा दे, ताकि वो अभी से नरक में जाने के भागी न बने और हमारे बड़ी भारी जनता के साथ अच्छा काम करे, वो भी अपने घर जाने का उनका मार्ग प्रशस्त हो जाए। नहीं तो राजा है, राजा जो गलत काम करेगा, हमारे गोस्वामी जी रामायण में पहले लिखे हैं उनको नरक भोग करना ही है, तो नरक भोग कर बचने के लिए उनको आप लोग ऐसा करें, उनको बता दें और अच्छा काम हमारी जनता के लिए करें। मेरे बाबा जी ने कहा हमारी दूरदर्शी और भूत चतर सुनो, बाबा जी ने पहले देकर खड़ा कर दिया है, वो तो आपके लिए सुख सुविधा प्रदान ही करेगा और सारा कार्यक्रम आगे आपका सुचारू ढंग से होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी झंडे के नीचे जय मालिक की जय, ये झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा, बोल दीजिए माइक से बोलिए।